तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो जावास्क्रिप्ट की है और जावास्क्रिप्ट में यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटा सा कोड HTML के अंदर एम्बेड करके मैंने लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये जो कोड है ये किस तरह का आउटपुट हमें देगा, किस तरह का ये टास्क परफॉर्म करेगा, तो मैं आपको बता दूं, ये स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने का काम करेगा। देखिएगा, स्क्वायर में और स्क्वायर रूट में दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये यूजर द्वारा है, मैंने जो बनाया है और इसे HTML में एम्बेड किया है, जैसे कि देख सकते हैं HTML के ही अंदर ये लिखा गया है। तो यहाँ से फाइल पे जाएंगे और इसे सेव करेंगे, तो यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ इसे, मैं कैलकुलेटर है कैल्क के नाम से, calc.stm के नाम से सेव कर देता हूँ, ठीक है। और इसे डेस्कटॉप पे ही सेव करूंगा ताकि यहाँ से हम एक्सेस कर सकें। तो ये सेव कर दिया है, अब इसको चलाने की बारी है। तो ये कैल्क यहाँ पे आया हुआ है, डबल क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे कह रहा है ना कि आप कोई नंबर एंटर कीजिए जिसका स्क्वायर रूट हम कैलकुलेट करके देंगे। तो चलिए यहाँ पे एंटर करते हैं, लाइक 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 2 का स्क्वायर रूट यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए 1.41 बिल्कुल सही आ रहा है। 5 का स्क्वायर रूट हो तो यहाँ से 5 का स्क्वायर रूट ये कैलकुलेट करके देगा। जैसे ही हम कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके देगा, 2.23, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपको 7 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो ये 7 का भी स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके देगा, 2.645 समथिंग समथिंग, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने का प्रोग्राम है। मैं आपको एक बार फिर से ये दिखा देता हूँ प्रोग्राम, यहाँ पर ये नोटपैड पे मैंने लिखा हुआ है, ये देख लीजिए आप, ठीक है। और ये जो लगाया ये इसे कमेंट कहते हैं, ये प्रिंटिंग में नहीं आती है ये लाइन, तो HTML में या जो जावास्क्रिप्ट है उसमें कमेंट इसी तरीके से लगाते हैं, ये आप देख ही सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।